हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। राजस्थान में एक महीने से चल रहा सियासी संग्राम भले ही थम गया हो, लेकिन कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। कांग्रेस और बीजेपी सत्र की तैयारियों को लेकर आज बैठकें कर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस सत्र में सरकार को फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना पड़ सकता है। हालांकि पायलट गुट की वापसी के बाद फिलहाल इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। सियासी संग्राम के दौर में इस विधानसभा सत्र को बुलाने के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच काफी टकराव हुआ था। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच फाइलों के आने जाने का लंबा दौर चला था। पहले राजभवन ने कोरोना काल और अन्य नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा सत्र बुलाने की सरकार की फाइल 3 बार वापस लौटा दी थी। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजभवन में धरना प्रदर्शन भी किया था। बहरहाल तमाम सियासी उठापटक के बीच शुक्रवार से विधानसभा के सत्र का आगाज हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट में कहा है कि 14 अगस्त को विधानसभा शुरू हो रही है। मुझे उम्मीद है इस दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन के बाद में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी है उसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है सुशासन देने में पक्ष विपक्ष सभी का सहयोग मिलेगा, प्रदेश की जनता में नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।